नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है CBSE कक्षा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर चुका है। यानी कि दोस्तों राजस्थान द्वारा पहले ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका था और CBSE द्वारा 12वीं का रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो चुका था। अब सिर्फ एक रिजल्ट बचा था, दो था CBSE कक्षा 10वीं बोर्ड का, वो भी आज डिक्लेयर हो चुका है। तो CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन 10th का रिजल्ट 2021 का जो है डिक्लेयर हो चुका है। तो किस तरीके से आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत ईजी वे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आप वहां से नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आपको जो है यहां पे टाइप करना है CBSE। गूगल में आप जैसे ही CBSE टाइप करेंगे आपके सामने पहली ही साइट आएगी CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप जो है यहाँ पर अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है परिणाम वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। या दोस्तों आप जो है सरकारी रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं आज 12 बजे जो है 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं CBSE बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट 2021, इसके ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस तरीके से पेज आएगा। आप इसमें नीचे की साइड आएंगे तो आपको सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं डाउनलोड क्लास 10th रिजल्ट। आपको सर्वर 4 सर्वर यहाँ पे उपलब्ध कराए हुए हैं, आप फर्स्ट वाले सर्वर के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो है एंटर परफॉर्मा ओपन होगा, जिसमें एंटर रोल नंबर, एंटर स्कूल और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, उसके बाद आपको आपके स्कूल के नंबर और उसके बाद आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप करनी है और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव एक कैंडिडेट का रिजल्ट जो है निकाल के आपको जो है दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम जो है रोल नंबर टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जो है रोल नंबर टाइप कर लेते हैं 1410623। उसके बाद जो है कैप्चर यानी कि स्कूल कोड जो है वो भी इनपुट कर लेते हैं। स्कूल कोड है 25147 और डेट ऑफ बर्थ है 22। डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरीके से टाइप करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जो है डेट लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्लैश लगा देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मंथ और उसके बाद स्लैश और उसके बाद आपको जो है आपका ईयर जो है सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन करनी है, सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद स्कूल नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं भूमि धामा का रिजल्ट है ये यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर प्रोविजनल ग्रेड जो है आपको दिखाई देगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल जो है देख सकते हैं, पास फेल यहाँ पे रिजल्ट के अंतर्गत आपको शो होगा। तो इस तरीके से आप जो है CBSE के सभी अभ्यर्थी जो है 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से 12वीं का रिजल्ट चेक करेंगे। फिर भी अगर आपके सामने कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि रिप्लाई के माध्यम से मैं उसका समाधान आप तक भेज सकूँ। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 12th के CBSE के अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना।